आज एचआर दोस्त ने हमारे साथ एक डीएचएस सुफा यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार की है जिसमें सिंध के जो एक्ट है लेबर के उसके मुतालिक बातचीत की गई है। एंड आई एम श्योर कि आज के जो सेमिनार था उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री एंड द बिजनेस कम्युनिटी वो उनके लिए लाजमी बेनिफिशियल हुआ होगा और उनको अपनी मजीद एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और द ऑर्गेनाइजेशंस उसको बेहतर तरीके से करने में उनको मदद मिली होगी। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एचआर की और जो इस तरह की कम्युनिटी है वो यूनिवर्सिटी में आके अगर मजीद अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहती है तो डीएचएस ऑफ यूनिवर्सिटी वेलकम सर विल गिव देम सब्सटेंशियल स्कॉलरशिप्स एज वेल एज सो दैट दे कैन नॉट ओनली लुक आफ्टर द फैमिलीज वो अपने जाके बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेहतर से बेहतर कर सकते। तो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दी एचआर दोस्त एंड दी अदर स्पीकर जो जिन्होंने हमें लेक्चर किया और आइंदा भी उनको इनवाइट करते रहेंगे ताकि हम कम्युनिटी की सर्विसेज कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर परवेज शफी हूँ और एचआर दोस्त का जब ख्याल ही पेश किया नियाज साहब ने तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई बंदा इस काम के अंदर इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। तो मेरी शुरू से ही उनके साथ सपोर्ट थी कि किसी तरह एचआर आईआर सोशल कंप्लायंस के जो भी डिपार्टमेंट हैं उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जितना भी फोरम आप इनको लाएंगे उनको उनकी रेलिवेंसी जो है अपर मैनेजमेंट के लिए वो होनी चाहिए ताकि अपर मैनेजमेंट को एहसास हो कि आप लोग कितना अच्छा और गुड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कंपनी के सिलसिले में, ताकि ये कि कोई भी डिसीजन इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं वो तो आपकी इनपुट और फीडबैक के बगैर वो नहीं करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अयाज साहब ने और एचआर दोस्त की जितनी भी टीम है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके और बड़ी मेहनत से इन्होंने ये एक फोरम बनाया है और उसको कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हैं। मेरी उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि भाई ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और तमाम इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो भी हमसे हो सकता है हम उसके लिए उनके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। तो गुड लक टू दी एचआर दोस्त टीम एंड इंशाल्लाह इसमें और तरक्की होगी, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू जी।